हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में, मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, कभी कभी जीएसटी टैक्सेशन के वक्त हमें सप्लायर को, रेसिपिएंट को कांटेक्ट करना पड़ता है। तब आप नॉर्मली क्या करते हो? उसे कॉल करते हो, उसे पूछते हो यार जीएसटी विवरण फाइल किया है कि नहीं किया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटीएन पोर्टल से ही आप उसे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और विद द रीज़न कि आपको डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसका जीएसटीआर मिसिंग है या आपको उसका जो मिसमैच हो रहा है, वो सारी डिटेल्स आप उसको नोटिफाई कर सकते हो जीएसटी पोर्टल पे। तो कैसे आप उसे मैसेज सेंड करोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, हमारे और भी जीएसटी रिलेटेड वीडियोज़ है, उसे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना है आपको हमारे ये जीएसटी चैनल, और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप अपने सप्लायर्स को, रिसिपिएंट को जीएसटीएन पोर्टल का यूज करके ही मैसेज सेंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ यूजिंग जीएसटीएन पोर्टल मैसेंजर। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जीएसटीएन पोर्टल आप अपना लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड ओपन होता है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है सर्विसेज, तो सर्विसेज पर क्लिक करें। सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज लिंक आपको अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर ये नया टैब आपके लिए ओपन हुआ है जिसका नाम है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। यही है आपका नया कम्युनिकेशन मैसेंजर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनबॉक्स, कंपोज, आउटबॉक्स, डाउनलोड सीएसवी टेम्पलेट, एक जीमेल जैसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो दोस्तों, वैसे ही ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है कि आपके रिसिपिएंट और जो सप्लायर है उन्हें यहाँ से जीएसटीएन पोर्टल का यूज़ करके नोटिफाई कर सकते हो। कैसे करना है चलिए जानते हैं। मैं इनबॉक्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इनबॉक्स में जाते हो तो यहाँ पर दो सेक्शन आपके लिए बताए गए हैं कि फ्रॉम रिसिपिएंट और फ्रॉम सप्लायर। अगर आपके किसी सप्लायर ने या फिर रिसिपिएंट ने आपको नोटिफाई किया है जीएसटीएन पोर्टल से, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी। तो उसका रिसिपिएंट जीएसटीएन दिखेगा, उसका ट्रेड नेम दिखेगा, क्या सब्जेक्ट है, नोटिफिकेशन नंबर क्या है और क्या डिटेल्स आपको उसने पूछी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगी। और सप्लायर का भी सेम है, सप्लायर ने भी भेजा होगा तो सप्लायर सेक्शन में जाओगे तो सप्लायर सेक्शन की भी ये सारी डिटेल्स आपको दिखेगी। अब दोस्तों, आउटबॉक्स में जाओगे ना तो आउटबॉक्स में भी सेम आपके लिए टू रिसिपिएंट टू सप्लायर, जिसे आपने दिया है, आपने नोटिफाई किया है, उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी। तो इससे क्या होगा ना, आपका ट्रैक रहेगा कि कौन से रिसिपिएंट को आपने क्या मैसेज भेजा था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अब जानेंगे कि कैसे हमें करना है कंपोज। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप मेल सेंड कर सकते हो, कैसे आप नोटिफाई कर सकते हो आपके सप्लायर को या फिर रिसिपिएंट को। तो जैसे ही दोस्तों आपको कंपोज पे क्लिक करते हो ना, तो एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर आपको दिखाई देगा कि सेंड न्यू नोटिफिकेशन का ये हेडिंग दिख रहा है। यहाँ पर आपको सप्लायर को भेजना है या रिसिपिएंट को, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिटेल्स देनी है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटीएन। यहाँ पर जीएसटीएन देते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका ट्रेड नेम आ जाएगा। यहाँ आपको सब्जेक्ट लाइन देना है, किस बारे में आप उसको नोटिफाई करना चाहते हो वो। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट टाइप आपको बताना है, इनवॉइस का टाइप है या कोई किसी और टाइप है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। और एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, रिजेक्टेड रॉन्गली सेट टू मी, रीअपलोडेड डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेड, ऑदर्स, ये सारी चीज़ें आपको, जो आपको एक्शन लेनी है, जो एक्शन आपको सप्लायर से या रिसिपिएंट से लेनी है, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर रिमार्क्स भी आप एडिट करके सेंड करना है आपको। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स देते हो और सेंड ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये मेल आपके रिसिपिएंट को या फिर सप्लायर को सेंड हो जाएगा। और इतने आसान तरीके से आप नोटिफाई कर सकते हो आपके सप्लायर को। और दोस्तों, डाउनलोड सीएसवी टेम्पलेट, यहाँ पर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके जो मेल्स आपने सेंड किए हैं, जो नोटिफिकेशंस आपने सेंड किए हैं रिसिपिएंट को और जो आए हैं आपको, उसकी सारी डिटेल्स एक्सेल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे जाकर जब भी आपके सप्लायर को या फिर रिसिपिएंट को आपको कॉल करना है या फिर उसको नोटिफाई करना है, तो इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि आपका GSTR 1/3B फाइलिंग सही ड्यू डेट पे होना चाहिए,
वरना आपको ITC क्लेम करने में दिक्कत आ सकती है और आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो GSTR 1, 3B, 9 और 9C आसान करने के लिए आप ऑटो रिकंसिलेशन के लिए GST हीरो का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। इसके डेमो के लिए आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।